पाकिस्तान पहुंचते ही जेआईटी ने एनआईए और भारत सरकार को तगड़ा झटका दिया है। पाक जेआईटी ने पठानकोट हमले के सबूत नकार दिए हैं। पाक मीडिया के हवाले से खबर आई है कि जेआईटी ने कहा है कि भारतीय अधिकारी उन्हें वैसे सबूत मुहैया कराने में असफल रहे हैं जो साबित कर सके कि पाकिस्तानी आतंकवादियों ने एयरबेस पर हमला किया था। पाकिस्तान की जांच एजेंसी ने कहा है कि पठानकोट हमले की जांच के लिए उन्हें सिर्फ 55 मिनट मिले थे, जिसके वजह से वो पठानकोट एयरपोर्ट का पूरा जायजा नहीं ले पाए। भारत दौरे पर आई जीआईटी से एनआईए ने हमले के सबूत साझा किए थे, जिसमें आतंकियों का डीएनए और कॉल रिकॉर्ड भी शामिल है। सऊदी अरब के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को ऐतिहासिक मस्मक किला देखने गए। इस किले का निर्माण 1865 में हुआ था। बाद में पीएम मोदी भारतीय समुदाय के लोगों से मिले और उनके साथ खाना भी खाया। पीएम मोदी के संसदीय सीट वाराणसी में कन्वेंशन सेंटर परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए जापान अगले महीने एक सर्वेक्षण टीम भेजेगा। वॉशिंगटन में जापान के पीएम ने भारत के पीएम से मुलाकात के दौरान ये बातें कही। जापान के पीएम शिंजो आबे ने दिसंबर 2015 में वाराणसी का दौरा किया था। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ने पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। शपथ ग्रहण के बाद महबूबा राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री होंगी। 4 अप्रैल को शपथ ग्रहण समारोह होगा। वहीं बीजेपी ने महबूबा को समर्थन वाली चिट्ठी राज्यपाल को सौंप दी है। विजय माल्या को ईडी ने पूछताछ के लिए नया समन जारी किया है। माल्या को पूछताछ के लिए अब 9 अप्रैल को पेश होने को कहा गया है। प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से माल्या को भेजा गया ये तीसरा समन है। माल्या को पूछताछ के लिए कल ही हाजिर होना था, लेकिन उन्होंने और समय की मांग की थी। कोलकाता पुल हादसे में मरने वालों की संख्या और बढ़ गई है। शनिवार को 2 और शव मलबे से निकाले गए, जिसके बाद मरने वालों की संख्या अब 26 हो गई है। वहीं पुल बनाने वाली कंपनी IVRCL से जुड़े एक और कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने पुल हादसे के लिए ममता बनर्जी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि पुल बनाने वाली कंपनी पर नजर रखना सरकार का काम था, ऐसे में ममता सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ममता बनर्जी जी सिर्फ ये कह के नहीं कर सकते कि ये कंपनी का दोष है। वो क्या कर रहे थे? उनका भी विभाग है, सुपरविजन कर रहा है, आपकी तरफ से बना रहे हैं, और इस तरह की घटना घटित होती है तो ये कंपनी को दोषी ठहरा देना मैं समझता हूँ उतना ही पर्याप्त नहीं। उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन राज्य सरकार को भी इसकी जिम्मेवारी को स्वीकार करना। टीवी एक्ट्रेस प्रत्यूषा बनर्जी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हुआ है कि मौत दम घुटने से हुई है। विस्रा को जांच के लिए फोरेंसिक लैब भेजा गया है। हालांकि प्रत्यूषा के दोस्तों का कहना है कि उनके चेहरे पर चोट के निशान थे। टीवी अभिनेत्री प्रत्यूषा बनर्जी का पोस्टमार्टम के बाद शनिवार को अंतिम संस्कार किया गया। प्रत्यूषा के अंतिम दर्शन के लिए टीवी जगत के कई लोग पहुंचे। पुलिस वाले भी आत्महत्या के एंगल से ही पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। प्रत्यूषा के बॉयफ्रेंड राहुल के मां और पिता ने अपने बेटे पर लग रहे आरोपों को सिरे से खारिज किया है। वहीं प्रत्यूषा के माता पिता ने बयान दर्ज कराया है, जिसमें उन्होंने प्रत्यूषा के बॉयफ्रेंड राहुल पर कोई गंभीर आरोप नहीं लगाए हैं। अब हम लोग तो रांची में हैं और वो लोग बॉम्बे में हैं, और ये क्या चीज चल रहा नहीं चल रहा इतना हम लोग को उसका जानकारी नहीं है। अब जो जानकारी है वहाँ पुलिस कार अपना काम कर रही है, लोग पुलिस को अपना काम करने दे। बहुत लोग को जो बोलना है तो बोलने का लिए किसी सब फ्री है, जो भी चाहे बोल सकता है। राहुल अभी है, वो पुलिस के साथ बातचीत चल रहा है, जितना भी सपोर्ट करना है जो जो पुलिस पूछ रही है सब बता रहा है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी की जिला जेल में बंद बंधक जेल अधीक्षक को छुड़ा लिया गया है। शनिवार को कैदियों और सिपाहियों के बीच हिंसा भड़की थी, जिसमें कई लोग जख्मी हुए थे। मंदिर में एंट्री को बुनियादी हक बताते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद महिलाओं को शनि शिग्नापुर मंदिर के पूजा स्थल पर जाने से रोक दिया गया। शनिवार को शनि शिग्नापुर मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश करने वाली भूमाता रणरागिनी ब्रिगेड की तृप्ति देसाई को हिरासत में ले लिया गया।
सतना के मुकुंदपुर में व्हाइट टाइगर सफारी का शुभारंभ होगा। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी मौजूद रहेंगे। एमपी के मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने उद्घाटन से पहले तैयारियों का जायजा लिया। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में एक महिला ने एक साथ पांच बच्चियों को जन्म दिया है। जिला अस्पताल के लेबर वार्ड में शनिवार को सुबह नॉर्मल डिलीवरी से पांचों बच्चियों का जन्म हुआ। सामान्य से कम वजन होने के कारण नवजातों को एनआईसीयू में रखा गया है। जन्म देना और साथ में पांचों बच्चे गेस्टेशनल एज जितना है उसके अकॉर्डिंगली वेट है, तो बहुत अनोखा है। और पहली बार मैं तो देख रहा हूँ, सुन भी पहली बार रहा हूँ, तो अपने आप में अनोखा है। और पांचों के पांचों स्वस्थ हैं का मतलब छः महीना में पैदा हुए हैं। छः महीना में पैदा हुए बच्चे, एक सिंगल बच्चा यदि कोई मदर पैदा करती है तो उतना उस हिसाब से पांचों के पांचों ठीक हैं, लेकिन उनकी प्रोग्नोसिस पुअर है क्योंकि छः माह में पैदा हुए हैं। अभी क्या स्थिति है? अभी की स्थिति में बच्चे तो स्वस्थ हैं। आज वर्ल्ड कप T20 का फाइनल वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जाएगा। दोनों ही टीमों ने फाइनल में अपने अपनी जीत का दावा किया है। वेस्टइंडीज और इंग्लैंड दोनों एक एक बार T20 ट्रॉफी जीत चुके हैं। वर्ल्ड T20 में पाकिस्तान की हार की जांच के लिए बनी पीसीबी कमेटी ने शोएब मलिक, उमर अकमल, अहमद सहजाद और वहाब रियाज को बैन करने की सिफारिश की है। कोच वकार यूनुस को भी हटाने का फैसला जल्द हो सकता है। वहीं सरफराज को पाक T20 का कप्तान बनाया जा सकता है। सहरसा में सत्तर कटैया से जिला परिषद की प्रत्याशी शहनाज खातून के नामांकन के दौरान बवाल हो गया। दरअसल उनके पति अब्दुल रहमान एक मर्डर केस में फरार थे। नॉमिनेशन के दौरान पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी से बौखलाए उनके समर्थकों ने पत्थरबाजी की, जिसमें डीएसपी सहित एक दर्जन से ज्यादा पुलिस वाले जख्मी हुए हैं। वहीं 15 से ज्यादा हमलावरों को गिरफ्तार भी किया गया। किशनपुर थाना कांड संख्या 9915 के मर्डर केस के एक यूज की पत्नी का नॉमिनेशन था। उनकी गिरफ्तारी जब सुपौल पुलिस के द्वारा की गई तो उनके समर्थक हिंसक भीड़ के रूप में यहां आकर पथराव किए। साथ ही साथ अभी हिरासत में लिए गए हैं 15-20 लोग, उन सब का वेरिफिकेशन किया जा रहा है और FIR दर्ज होगा और जो दोषी हैं वो पकड़े जाएंगे। बाद में जब पुलिस लाइन से जवानों को बुलाया गया, इसके बाद पुलिस वालों ने हमलावरों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इस दौरान कवरेज करने गए मीडिया वालों पर पुलिस ने अपना गुस्सा उतारा, उनकी पिटाई की गई। एक टीवी जर्नलिस्ट को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उनके कैमरे को भी छीन लिया गया। शनिवार को औरंगाबाद में सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने 6 सिलेंडर बम बरामद किया। CRPF के बम निरोधक दस्ता ने सभी बमों को डिफ्यूज कर दिया। दरअसल शुक्रवार को जिले के मदनपुर थाना के पुरनाडीह में लैंडमाइंस प्लांट किए जाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। लैंडमाइंस खोजने के लिए खोजी कुत्ते की भी मदद ली गई थी और जिला प्रशासन और CRPF की टीम ने 6 सिलेंडर बमों को बरामद किया। फिर आला अधिकारियों की मौजूदगी में बमों को डिफ्यूज किया गया। सबकी क्षमता कम से कम 5 KG के सिलेंडर है और प्रत्येक इसमें से एक लाइट व्हीकल को उड़ा देने के लिए काफी है। चूंकि ये 6 बहुत ही क्लोज एरिया में लगे हुए थे, जिसे देख के लग रहा है कि या तो किसी बड़ी पार्टी या बड़ी गाड़ी को उड़ाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से इनको प्लांट किया गया था। बिहार बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष विश्वेश्वर ओझा हत्याकांड में पुलिस को कामयाबी मिली है। आरा के नौरंगा गांव से पुलिस ने हत्याकांड में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से बड़ी संख्या में हथियार भी बरामद किया। इन हथियारों का इस्तेमाल हत्याकांड में किया गया था। इन लोगों की संलिप्तता विश्वेश्वर ओझा हत्याकांड में प्रमुख रूप से रही है। बबलू ठाकुर, विनोद ठाकुर और श्याम बिहारी ठाकुर तीनों कांड के समय घटनास्थल पर मौजूद थे इन्हीं हथियारों के साथ, और इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल विश्वेश्वर ओझा हत्याकांड में हुआ। तीनों आरोपी हत्याकांड के समय घटनास्थल पर मौजूद थे और उन्होंने मुख्य आरोपियों को भगाने में मदद की थी। 12 फरवरी 2016 को विश्वेश्वर ओझा को भोजपुर के सोनवर्सा बाजार में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सुपौल के रतनपुरा में अवैध शराब की बिक्री की शिकायत पर छापेमारी की गई। यहां से करीब 318 बोतलों में 150 लीटर शराब जब्त किया गया। जब्त शराब की कीमत करीब 2.5 लाख रुपए है।
दरअसल रतनपुरा बाजार में ये शराब की लाइसेंसी दुकान थी। शराब बंदी के बाद बचे स्टॉक को दुकानदार पिछले दरवाजे से बेच रहा था। छापेमारी में दुकानदार भागने में कामयाब रहा, जबकि शराब पी रहे एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बिहार में नशाखुरानी गिरोह एक बार फिर से एक्टिव हो गया। इस बार महानंदा एक्सप्रेस को निशाना बनाकर गिरोह ने 7 यात्रियों को लूट लिया। नशाखुरानी गिरोह के शिकार इन लोगों को दानापुर स्टेशन पर उतारा गया। सभी को इलाज के लिए दानापुर रेलवे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। के मेरे सामने रख दिया, बिस्तर के नीचे रख दिया, इसके ऊपर ऐसे करके सो जाओ नींद आएगी। फिर मैंने ऐसे रखी, फिर उसके बाद मैं सो गई। फिर थोड़ी देर में एक बंदा मेरे को ऐसे ऐसे उठा रहा है। फिर मैंने बोला क्या हुआ, आपका तो पर्स सब कुछ नीचे जमीन पे खुला है और ये कैसे हो गया। फिर मैं उठे देखा तो मेरा बैग पूरा नीचे, मेरा डट पेन, मेरा कॉपी, मेरा मोबाइल कुछ नहीं था अंदर। कितना पैसा था उसमें? 22,000। मोतिहारी नगर थाना क्षेत्र के गाजा गद्दी चौक पर बाइक सवार 3 अपराधियों ने थोक सब्जी विक्रेता से 4,00,000 रुपए लूट लिए और विरोध करने पर उसे गोली मार दी। जख्मी सब्जी विक्रेता मोहम्मद इमाम अली खान को इलाज के लिए निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। मधुबनी के बाबूबरही थाना इलाके में डकैतों ने जमकर उत्पात मचाया। इलाके के रमनी पट्टी गांव में दर्जन भर हथियार बंद डकैतों ने भरत मिश्रा और लक्ष्मण शाही के घर डकैती की और लाखों की संपत्ति लूट ली। लुटेरे छत के रास्ते घर में दाखिल हुए और लोगों को कब्जे में लेकर नगद और जेवरात लूटकर चलते बने। दवाओं की एक बड़ी खेप जलाने का मामला सामने आया है। इन दवाओं में कफ सिरप के अलावा टैबलेट्स और बच्चों के इलाज की दवाएं हैं। शीशों को तोड़कर उसके अंदर का सिरप बहा दिया गया। जलाई गई दवाओं में कुछ दवाएं तो एक्सपायर्ड थी, लेकिन कुछ दवाओं का उपयोग अभी भी किया जा सकता था। हैरानी की बात यह है कि सिविल सर्जन को भी इस मामले में कोई जानकारी नहीं थी और जब जानकारी मिली तो पल्ला झाड़ने लगे, लेकिन जब उन्हें ये लगा कि मामला बड़ा है तो जांच का भरोसा दिया। पूरा जांच का विषय है ये जांच। अब आप अभी बोल रहे हैं हर वक्त मेरा चारों तरफ आँख तो नहीं रहेगा, मेरा ही आँख हो तो वहाँ ही तो इसका जवाब तो उसमें डिप्टी सुपरिटेंडेंट है, उससे पर प्रथम सवाल होना चाहिए कि सारे कैंपस का मालिक वो है। हम करेंगे ना, हम तो अभी उसके शो कॉज किए, रात में नहीं था वो, डीएम साहब आए थे, उसका शो कॉज किए। अब तो ये निकलते निकलते मेरे संज्ञान में आया है तो उसको जवाब तलब करेंगे कि इंक्वायरी करेंगे, उसके लिए इंक्वायरी बैठाएंगे। सासाराम में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने छापेमारी कर 15,000 अवैध कफ सिरप बरामद किया है। बताया जाता है कि कफ सिरप की खेप वाराणसी से सासाराम होते हुए गया भेजा जाना था, जहां से पूरे बिहार में इसकी सप्लाई होनी थी। 97 रुपए के एक बोतल को 200 रुपए में बेचने का प्लान था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुताबिक इसके तार बांग्लादेश से भी जुड़े हो सकते हैं, जिसकी जाँच की जा रही है। हाजीपुर में भारी मात्रा में प्रतिबंधित पान मसाला बरामद किया गया, जिसकी कीमत तकरीबन 50,00,000 आंकी गई है। छापेमारी के बाद पुलिस ने गांधी आश्रम मोहल्ला में 3 बड़े गोदामों को सील कर दिया। असम से बरौनी तेल पाइपलाइन में अवैध तरीके से तेल पाइप काट कर तेल निकालने वाले गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद पूर्णिया पुलिस गिरोह के तार को खंगालने में जुटी है। सुपौल में बेखौफ बदमाशों ने एक घर में घुसकर घर के मालिक की हत्या कर दी। वार्ड नंबर 12 गुरियारी मोहल्ले में कुछ अज्ञात बदमाशों ने पहले घर में घुसकर लूटपाट की और 3 गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया। इसके साथ ही घर मालिक पर जानलेवा हमला भी किया, जिसके इलाज के दौरान सदर अस्पताल में मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में तनाव बना हुआ है। पीड़ित परिजन आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। सिवान में एक युवक की हत्या से सनसनी फैल गई। युवक का शव पुरानी किला पोखरा के लहरिया टोली के पास मिला। शुरुआती जांच में धारदार हथियार से हत्या की बात सामने आ रही है। शफीक कल शाम से ही घर से लापता था। एक्साइज ड्यूटी के विरोध में ज्वेलरी कारोबारियों की हड़ताल जारी है। हड़ताल के 32वें दिन आरा में स्वर्ण व्यवसायियों के बच्चे भी आंदोलन में कूद गए। गोपाली चौक पर कारोबारियों के बच्चे धरने पर बैठ गए हैं और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। 1% एक्साइज ड्यूटी के विरोध में 2 मार्च से ज्वेलरी कारोबारी बेमियादी हड़ताल पर है।
नौकरी नियमित करने की मांग को लेकर पटना में कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल एएनएम कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया, साथ ही राज्य सरकार के विरोध में नारेबाजी भी की। दरअसल सरकार ने एएनएम की नई बहाली के लिए विज्ञापन निकाला है, ऐसे में प्रदर्शनकारियों ने पहले संविदा पर बहाल एएनएम की नियुक्ति की मांग की है। मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। बिहार में एनडीए की टूट को लेकर राजनीति तेज हो गई है। हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी की ओर से बीजेपी को दी गई चेतावनी पर बीजेपी ने पलटवार किया है। हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने साफ कहा है कि मांझी साफ दिल के हैं और दिल से बात करते हैं और जो उन्होंने महसूस किया वही कहा। वहीं जेडीयू इस एनडीए के टूट पर चुटकी ले रहा है। बिहार विधानसभा में शनिवार को सामूहिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी के नेतृत्व में विधायकों ने रक्तदान किया। इस मौके पर विजय कुमार चौधरी ने लोगों से रक्तदान की अपील की ताकि लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने ब्लड डोनेशन कैंप में हिस्सा लिया। अशोक चौधरी ने इस तरह की पहल का स्वागत किया। हाजीपुर स्टेशन परिसर में गंदगी से निजात पाने के लिए केले की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने पर विचार किया जा रहा है। स्वच्छता को लेकर सोनपुर रेल मंडल के सीनियर अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें फैसला लिया गया कि केला बेचने वाले वेंडरों पर सख्ती बरती जाए। रेल प्रशासन के मुताबिक अगर वेंडर मदद करे तो स्टेशन परिसर में साफ सफाई को मेंटेन रखने में मदद मिलेगी।